हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? और मैं विजय कुशवाहा, और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे धान की वैरायटी के बारे में, और उस वैरायटी का नाम PB 1847 है। तो आज हम धान की PB 1847 वैरायटी के बारे में बात करेंगे कि ये वैरायटी कैसी है, इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, इसकी जब भी हम बुआई करते हैं तो इसकी बीज दर कितनी लगती है, इसको हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, किन प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, इसकी कीमत क्या है, इसका कितना उत्पादन हो जाता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे धान की एक वैरायटी के बारे में, जो कि PB 1847 है, जिसको पूसा बासमती 1847 के नाम से भी जाना जाता है, जिसको पूसा बासमती 1847 भी बोला जाता है। इस वैरायटी को पूसा बासमती 1509 को सुधार कर बनाया गया है। पूसा बासमती 1509 में झोंका रोग और ब्लाइट की समस्या अधिक देखने को मिलती थी, लेकिन इस वैरायटी में झोंका रोग और ब्लाइट की समस्या देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इस वैरायटी को विकसित किया गया है और इसको 2 साल पहले ही विकसित किया गया है। इस वैरायटी की कुछ विशेषताएं, इस वैरायटी की फसल अवधि लगभग 120 से 125 दिन होती है। ये वैरायटी अधिकतम उत्पादन देने वाली वैरायटी है, और ये वैरायटी ऐसी है कि इसमें गिरने की समस्या देखने को नहीं मिलती है, जो कि पूसा बासमती 1509 है उसमें गिरने की समस्या देखने को मिलती है, इसमें गिरने की समस्या देखने को नहीं मिलती है। और ये वैरायटी ऐसी भी है कि इसमें कम पानी की भी आवश्यकता पड़ती है, यदि आपके यहाँ कम पानी है तब भी ये भरपूर उत्पादन दे सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है, और पूसा बासमती 1509 को सुधार कर इस वैरायटी को विकसित किया गया है। बात करें कि इस वैरायटी की जब भी हम बुवाई करते हैं तो इसकी बीज दर कितनी लगती है, तो इसकी 1 एकड़ खेत की रुपाई के लिए लगभग 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें कि इस वैरायटी को हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, तो इस वैरायटी को आप पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान, लगभग भारत के सभी राज्यों में आप इसकी बीजक बुवाई कर सकते हैं। बात करें कि इस वैरायटी को हम किन किन मिट्टियों में लगा सकते हैं, तो इस वैरायटी को आप हल्की चिकनी मिट्टी और चिकनी मिट्टी में इसकी बुवाई कर सकते हैं। बात करें इसकी कि पैदावार कितनी होती है, तो इसकी जो पैदावार है, इसकी पैदावार जो पूसा बासमती 1509 है उससे लगभग 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अधिक देखने को मिलती है। और ये वैरायटी ऐसी है कि इसको यदि आप समय पर लगाते हैं, आप इसकी समय से बुवाई करते हैं, समय से यदि आप इसकी रुपाई करते हैं, इसका ध्यान रखते हैं, इसकी अच्छी लागत लगाते हैं, तो इसमें लगभग 32 से 34 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी जो कीमत है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती है, और अलग अलग कंपनियों की अलग अलग इसकी रेट देखने को मिलती हैं। तो ये रही पूसा बासमती 1847 धान की हाइब्रिड वैरायटी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।